ऐसे देना, ठीक है ना, वो लेगा तेरे हाथ से, वो अपने आप लेगा, उसको नीचे मत देना ऐसे। और प्यार राजीव ये पकड़ना यार, बनाना खा लिया उसने, ये शालू आई है हमारे घर में प्रस्थान करा है, जस्ट चाय बनाई और इतने देर में इनके हस्बैंड भी आ गए। जीत रहो जीत रहो जीत रहो जीत रहो, प्लीज एंजल स्टे, मैं पहले आ गई, बैक ऑफ, हां बैक ऑफ, बैक ऑफ, मैंने आते ही चेंज कर दिया, प्लीज चेंज चल, मतलब मुझे आधा घंटा हो गया है, नेहा को मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि आपत्तिजनक स्थिति में वो बैठी है, बच्चे के साथ बैठी है, वो बच्चा आप ले लो, ये ले लो, ले लो, थैंक यू। थर्सडे है और आज मेरी छुट्टी है इलेक्शन के चक्कर में, गाज़ियाबाद मेरठ में इलेक्शन 26 को है, तो दो दिन की छुट्टी है मेरी, तो आज हम लोग जा रहे हैं राजा भैया के पास नोएडा, बहुत दिन से बुला रहे थे यार, हमें टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस के चक्कर में, तो आज हमें टाइम मिला है फाइनली, मुझे टाइम मिला अच्छे से, पिंचू का आज भी ऑफिस है और उधर उठते इसने मैगी बना ली है, पिंचू यार मैगी देखो इधर देखो, एक बार बता दो तुम्हें मैगी कितनी पसंद है, बहुत पसंद है ना, सुबहते तुमने मैगी बना दी, ये मैगी खा रहा है, और फिर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और वहाँ पे इतनी प्यारी सी बच्ची है निया, और मीलो बहुत प्यारा सा डॉगी है, मैं उससे मिलवाऊंगी आपको, तो हम अभी निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग, मैं वहाँ जाके दिखाती हूँ, इतने प्यारे प्यारे बच्चा है वहाँ, डॉगी है, मज़ा आएगा, चलो फिर मिलते हैं, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं हम लोग, कितना खुश हो रहा है, लग जाएगी मिलो, लग जाएगी कितना खुश हो रहा है, तो खुश हो रहे हो तुम। और अभी हम लोग, मैं निया से मिलाती हूँ आप लोगों को, भाभी जरा दिखाना एक बार निया को, हाय निया, हाय निया, मैंने बोला था अपनी जनता को कि मैं निया से मिलवाऊंगी, मिलो से मिलवाऊंगी, दे प्यारा प्यारा बेबी है हमारे पास, हेलो निया, हेलो भैया, हाय, कॉर्पोरेट बॉय आ गए, कॉर्पोरेट बॉय और मिलो खेल रहे हैं पिंचू के साथ, पट्टी करना, कटिंग करना जा रहा है, कटिंग क्यों कर रहा है, कटिंग करना जा रहा है मेरी, यहां बोलते पीछे बैक ऑफ, बैक ऑफ, हेलो, यहां कितना खुश हो रहा है, उसे बी जेंटल करके ऐसे देना, ठीक है ना, वो लेगा तेरे हाथ से, वो अपने आप लेगा, उसको नीचे मत देना ऐसे, और प्यार राजीव ये पकड़ना यार, बनाना खा लिया उसने, ये शालू आई है हमारे
घर में प्रस्थान करा है, जस्ट चाय बनाई है, इतनी देर में इनके हस्बैंड भी आ गए। जीत रहो जीत रहो जीत रहो जीत रहो। मैंने आधा घंटा हो गया है, नेहा को मैं दिखाने जाऊँ क्योंकि आपत्तिजनक स्थिति में वो बैठी है, बच्चे के साथ बैठी है। आप ले लो, ये ले लो, ले लो, थैंक यू। नेहा के व्हाइट बाल भी दिख रहे हैं, उम्र का तकाजा। अब मेरे तो इतने ज्यादा दिख रहे हैं, मेरा स्टेट करा है ना। और ये राजा भैया चाय पीते हुए आपको मैंने ले लिया व्लॉग में। थैंक यू थैंक यू। माँ बढ़िया लगा ना खाना? मैं भी खा रही हूँ। भैया ने तब बढ़िया खाना बनाया है। हाँ इतने खाने की खुशबू देख के भैया तुमने आप बहुत टेस्टी खाना बनाया। शॉपिंग करी है वो? और शॉपिंग की है ना, वो दिखाऊंगी मैं कल। इससे सारा सामान डाल दिया हमने ताकि हमारा कांच का सामान सारा टूटे ना। तो अभी हमने ये सारा सामान लिया है, बहुत मजा आया मुझे भाभी को शॉपिंग करने में। सेटिस्फाइड हो गए हम लोग तो, बहुत बढ़िया शॉपिंग की अपने घर के लिए, क्रॉकरी सेट वगैरह सब लिया। अब मैं खाना खा रही हूँ तो आज के दिन हम यही खत्म करते हैं, अब आराम करेंगे और कल मेरठ जाना है। ठीक है चलो ओके बाय बाय गुड नाइट। कितने परेशान हो रहे हैं, मिलो क्या हो गया, तुम इतने शांत क्यों हो? हाँ मिलो, इतना प्यारा ब्रीड है ये, यूएस से मंगाया भाभी ने, लेकिन इसको यहाँ का वेदर सूट नहीं आ पाता है तो ये भी थोड़ा जल्दी बीमार हो जाते हैं, इनका इम्यून बहुत वीक है। हाँ कुछ कहना चाह रहा है, देखो मिलो इतना प्यारा बच्चा है, ये बच्चे जैसे पाला है इसको, है ना मिलो। अब उसको भूख लग रही है क्योंकि यहाँ पे सैंडविच रखे हैं, राजा भैया ने सैंडविच बनाया नाश्ता, और देखो मिलो कैसे देख रहा है। मिलो भूख लगी आपको? भूख लगी है? कैसे देख रहा है? मिलो को भूख लगी है, खाना दे दो मम्मी, मम्मी आपसे खाना मांग रहा है मिलो, आप उसको खाना दे दो। खाना मिल रहा है अभी, अभी मम्मी एक और बेबी को सुला रही है ना, देखो सो गई है, तो अभी तुम्हें भी खाना मिलेगा। ठीक है तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने का भैया बढ़िया सा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भैया। और नाश्ता करने का भैया ने बनाया बड़ी भात, बड़ी देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया बढ़िया बड़ी है, ये होती है बड़ी, अभी किस चीज़ की बनती है, भैया बना रहे हैं बड़ी। और देखो भैया ने सारी प्रिपरेशन की हुई है, भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इतनी सारी प्याज भी है, बड़ी किसकी बनती है यार? ये बड़ी बनती है जो पहाड़ी खीरा होता है उसको बोलते हैं भुजा। अच्छा और ये भुजा होता है कद्दू जैसा। अच्छा उन दोनों की बनती है, उसमें जो अपना उड़द की दाल होती है उसको पीस के डाला जाता है बाइंडिंग के। अच्छा और वो हाथों हाथ बना के परमानेंट करके रख देता है और उसको सुखाया जाता है। कब कितने टाइम तक सुखाते हैं ये डिपेंड करता है कितनी धूप है, दो दिन भी सूखती है तीन दिन भी सूखती है। अच्छा अच्छा तो जितनी सूखेगी उतनी बड़ी लंबी चलेगी, की तरह काम करता है। अच्छा ये बड़ी है, ये बड़ी है जो हमने फ्राई करके गर्म पानी में उबाल रखी है ताकि वो जल्दी गल जाए, गलने में टाइम लगे। मैंने देखो इतनी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है यहाँ पे। यार भैया तुम तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हो, तुम्हें तो मजा बांध रखा है, मतलब पिंच तारीफ करता है आपकी बड़ी की। बड़ी की खासियत है कि उसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है। अच्छा ऐसा क्यों? उससे आयरन आयरन की आपके अंदर फुलफिल हो जाती है, कमी जो रहती है और उससे टेस्टी भी होती है। अच्छा तो लोहे की कढ़ाई में बनाया, जब भी बड़ी बनाया पिंच तारीफ करता है। दाल मखनी बनाया और देखो इतने निया नहा कर आ गए, इतना प्यारा बेबी अब नहाए। निया आपने नहा लिया? हाय कर दो सबको, हाय कर दो, हाय। अभी वो नहा कर आई है और बड़ी का वेट करिए, पापा जल्दी से बड़ी बना दो, वो तो अभी खा नहीं सकती है लेकिन वो पापा देख रही है अपने पापा की कुकिंग। तो भैया ने बहुत बढ़िया खाना बना रहे हैं भैया, और क्या हम लोग खाना खा दें। और मीनू को देखो वो भी घूम रहा है बड़ी का वेट करता हुआ, मुझे भी बड़ी खिला दो। तो अभी हम लोग खाते हैं रेस्ट। तो अभी हम लोग राजा भैया के यहाँ से निकल चुके हैं और जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग करना भूल गई। तो बढ़िया राजा भैया ने बहुत टेस्टी बढ़िया चाय बनाई, मेरा गला खराब हो रहा था, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं वो, खाना ही बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं मेरठ की ओर और घर पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते ही अच्छा लगता है सबको, वहां पे हमें बहुत अच्छा लगा घर पहुंचे।
यहाँ का घर का काम समेटते हैं और हम इतना सारा सामान लेके आए ना भाभी ने, या भाभी मैंने कहा थर्सडे मार्केट लगती है वहाँ पर नोएडा में और नोएडा एक्सटेंशन में हमारे जिस फ्लैट के सामने था सोसाइटी के सामने, इतना बढ़िया बढ़िया सामान मिला यार। मुझे भी जो क्रॉकरी लेने का बहुत मन होता है, मतलब हमें बहुत पसंद है। हाँ तो हमने समझ के सारी क्रॉकरी ले ली, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें ली हैं यहाँ पे, और नेहा भाभी ने मुझे पापड़ दिए हैं, वो मुंबई से लेके आई थी, और बड़ी यहाँ पे बड़ी पहाड़ में खाते हैं तो उन्होंने बड़ी भी दी है। थैंक यू नेहा भाभी, आपने इतना सारा सामान दिया है हमें। और ये देखो मैं कहती हूँ कितना बढ़िया बढ़िया सिपर और ये सब ग्लास, मैंने सब सामान लिया है ये। और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, बहुत ही उन्होंने बहुत प्यार दिया हमें, इतना सारा सामान दिया। निया से मिले, मीलो से मिले, मैंने आपको मीलो के बारे में दिखाया, तो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत ही पॉजिटिव फैमिली है, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ऐसे ही हम उनसे मिलने जाते रहेंगे, वो हमारे पास आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग घर पहुँचे, आराम करते हैं, और गीता दीदी आती है थोड़ा घर की सफाई कराते हैं,